नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान संपन्न, मतगणना 4 को। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में आज 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश सहित 57 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। 7वें चरण में वाराणसी संसदीय क्षेत्र में भी मतदान हुआ, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 7वें चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब की सभी 13 और हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 3 सीटों पर वोट डाले गए। इसके अलावा उड़ीसा विधानसभा चुनाव की शेष 42 सीटों और हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी संपन्न हो गया है। 7वें चरण में 4 एक्टर्स भी मैदान में थे। इनमें कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह और काजल निषाद शामिल हैं। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण पूरा होने के साथ ही 4 जून को मतगणना होगी। मतदान के बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा, तालाब में फेंकी ईवीएम, वोट डालने से रोका। पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कुलदली इलाके में दुस्साहसिक घटना सामने आई। आरोप है कि यहां एक बूथ पर मतदान शुरू होने के बाद तृणमूल कांग्रेस समर्थित उपद्रवियों ने लोगों को मतदान करने से रोका। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन को तालाब में फेंक दिया और पेड़ों की शाखाएं फेंक कर पुलिस के सामने विरोध किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने मतदान से रोकने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बाद में चुनाव आयोग ने वैकल्पिक ईवीएम से दोबारा वोटिंग शुरू कराई। वहीं जादवपुर में भांगर में बमबाजी के साथ टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस ने लाठी चार्ज कर लोगों को तितर बितर किया। 7वें चरण में सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डाला वोट, हरभजन ने जलंधर में किया मतदान। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदान किया। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और हिमाचल प्रदेश में मंडी सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने मतदान किया। गोरखपुर सीट से उम्मीदवार व भोजपुरी स्टार रवि किशन ने भी वोट डाला। पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह ने जलंधर के मतदान केंद्र पर मतदान किया। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने वोट डाला। पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने भी मतदान किया। पीएम मोदी ने की मतदाताओं से खास अपील, राहुल बोले आखिरी चरण में करें प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा और महिला मतदाता वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मतदाताओं से पूरी गर्मजोशी से मतदान करने की अपील की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए देशवासियों से वोट देने की अपील की और कहा कि अब तक के इन रुझानों से साफ है कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इस अंतिम प्रहार से चूकिएगा मत। अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान, इसराइल पर हमला करने लायक नहीं बचा हमास, हो सीज फायर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने दावा किया कि हमास अब इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमला करने में सक्षम नहीं रह गया है, इसलिए हमास शेष इजरायली बंधकों को रिहा कर युद्ध विराम समझौता करे। बाइडन ने कहा कि इसराइल ने अपना प्रस्ताव रखा है और हमास का कहना है कि वह भी युद्ध विराम चाहता है। दूसरी ओर मई महीने की शुरुआत में हमास और इसराइल के बीच समझौता होते होते रह गया था, क्योंकि हमास ने गाजा से पूरी तरह इजरायली सेना हटाने की मांग की थी, लेकिन इजरायल ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया था। वहीं इजरायली सेना ने की अब राफा के मध्य हिस्सों में हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को छोड़ा पीछे। अमीरों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। गौतम अडानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।
ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अनुसार अडानी की नेटवर्थ में 5.45 अरब डॉलर की तेजी के साथ उनकी नेटवर्थ 111 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। इसी के साथ वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 11वें और एशिया में पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर मुकेश अंबानी 109 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया में 12वें और एशिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ में इस साल 26.8 अरब डॉलर की तेजी आई है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान पर हमले की साजिश नाकाम, लॉरेंस गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर हमले की साजिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया है। नवी मुंबई पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी धनंजय उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया उर्फ नावी, वास्पी खान उर्फ वसीम चिकना और रिजवान खान उर्फ जावेद खान लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य हैं। नवी मुंबई पुलिस ने कहा कि ये सभी आरोपी पनवेल में सलमान खान की कार पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। इसके लिए पाकिस्तान से हथियार मंगवाने की भी साजिश रची जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, संपत नेहरा समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।